हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में आपको वेक्टर्स बता रहे थे, जिसमें हमने प्लाज्मिड शुरू किया था। और प्लाज्मिड के लिए हमने कल आपको PBR-322 और PUC-8 किस तरीके से बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो हमने बताया था। क्योंकि जो नॉर्मल प्लाज्मिड है वो एज सच जीन क्लोनिंग में काम में नहीं आता है, तो हमने कल प्लाज्मिड कर लिया था। और आज हम ले रहे हैं बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक्चुअली बैक्टीरियोफेज वो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में भी हम M13 ले रहे हैं। M13 इज अ फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट ईकोलाई। ईकोलाई को जो इन्फेक्ट करता है, ईकोलाई बैक्टीरिया है उसको जो इन्फेक्ट करता है, वो M13 नाम का बैक्टीरियोफेज है। और इसी का हम जो DNA है वो एज ए वेक्टर काम में लेंगे। इसका ये स्ट्रक्चर है, 895 nm लंबा होता है, 6 nm डायमीटर होता है। इसके अंदर मेन बात है, एक आपको पता है बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। वायरस के अंदर कुछ ऐसी कोई खास चीज नहीं होती, केवल DNA होता है और इसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है। तो प्रोटीन कोट को हम आउटर प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, और DNA जो इसके अंदर रिसाइड करता है, यानी कैप्सिड के अंदर केवल DNA होता है। फिलामेंटस है पूरा जो बैक्टीरियोफेज है, देन DNA उसका सर्कुलर होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं इसको, DNA को देखिए, 6408 बेसिस इसके अंदर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अभी तक हमने जो प्लाज्मिड पढ़ा था वो हमने डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहाँ जो M13 का जो DNA होता है, हम M13 क्या बता रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो DNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। ये इसकी कोट है, कैप्सिड है, यानी कि प्रोटीन कोट है, और ये DNA इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये एक स्पेशल टाइप का जो है वो M13 जो फेज है वो मेल स्पेसिफिक होता है, जो केवल मेल ईकोलाई को ही इन्फेक्ट करता है। मेल ईकोलाई क्या है, बैक्टीरिया में भी कोई मेल और फीमेल स्ट्रेन नहीं होते हैं अलग से, लेकिन जिन पर सेक्स पिलाई पाए जाते हैं जिन बैक्टीरिया पर, उनको हम मेल कहते हैं, ठीक है। तो M13 फेज जो मेल स्पेसिफिक होते हैं वो उन्हीं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जिन पर एफ पिलाई पाई जाती है। तो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करके ये जो है वो अपना DNA, हमें पता है हमेशा DNA ही केवल बैक्टीरिया के अंदर जाता है और प्रोटीन नहीं जाती है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना DNA को इंजेक्ट कर देता है। DNA अंदर जाकर ये क्या करता है, एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। और जो टेम्पलेट यानी कि वहां जाके ये अपने आप को एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, और इसी पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है, ठीक है, जिससे ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। यानी था तो सिंगल स्ट्रैंडेड जो हमने वहां देखा था, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड जब हो जाता है तब हम उसको कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रेप्लिकेशन का प्रोडक्ट है इसलिए हम उसे रेप्लिकेटिव फॉर्म कहते हैं, RF। तो इस तरीके से RF किसे कहा जाता है, जो बैक्टीरियोफेज का DNA है जब बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया है तो डबल स्ट्रैंडेड हो गया है, तब हम उसे कह रहे हैं रेप्लिकेटिव फॉर्म, ठीक है। रेप्लिकेटिव फॉर्म जो है वो क्रोमोसोमल DNA से, ईकोलाई के बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल DNA से जुड़ता नहीं, बल्कि बार बार वही क्या करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड है वो रोलिंग सर्किल मॉडल है। रोलिंग सर्किल मॉडल आपने बैक्टीरियोफेज में पढ़ा है, DNA के रेप्लिकेशन में पढ़ा है किस तरीके से होता है, उस तरीके से ये कई बार रेप्लिकेट होकर कई सारी कॉपीज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर बना लेता है, ठीक है। कैसे बना लेगा बैक्टीरिया के अंदर, रेप्लिकेट होकर। ये कहां से आया है, बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को अटैक किया है, बैक्टीरिया पर अटैक किया है और उसने अपना DNA अंदर डाल दिया। DNA जो सिंगल स्ट्रैंडेड था डबल स्ट्रैंडेड हो गया है, और फिर वहां पर जाकर कई सारी कॉपीज अपनी बना लेता है रोलिंग सर्किल मॉडल्स के द्वारा, रोलिंग सर्किल बोर्ड से। और 200-300 RF जो है इसके अंदर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब इन
आरएफ का क्या होता है? जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये जो हमने बनाए हैं M13 से हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बनाएंगे हमारा जो वेक्टर जो काम में आने वाला है, यानी जो M13 बैक्टीरियोफेज है उससे अब हम प्लाज्मिड बनाएंगे, या ये कहो कि वेक्टर बनाएंगे, प्लाज्मिड नहीं, कि जो कि हमारा कहाँ काम आएगा, जीन क्लोनिंग में काम में आएगा। तो इससे बहुत सारे जो है वो वेक्टर्स को जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसको हम M13 तो बेस है, M13 तो अकेला है, M13 पर बेस करते हुए M13 MP7, M13 MP8, M13 MP9, इस तरीके से MP10, MP11 एंड MP18 और MP19 इसमें कंस्ट्रक्ट किए गए। तो हम आपको बता रहे हैं M13 बेस्ड वेक्टर के बारे में, किस तरीके से ये बनते हैं। ये जो M13 वाइल्ड टाइप है, अब जो जो हमने वाइल्ड टाइप इसको कहा है, जो नॉर्मल जो ओरिजिनल बैक्टीरियोफेज का DNA था, ये बैक्टीरियोफेज का DNA है, इसमें ओराई साइट होती है, और ये देखिए इसमें IS हमने लिखा है, IS का मतलब है जो इंटरजेनिक सीक्वेंस इसके अंदर पाया जाता है, और इस इंटरजेनिक सीक्वेंस के अंदर ही हम दूसरी चीजों को जोड़ सकते हैं। ये इस काबिल नहीं है कि ये एज ए वेक्टर जीन क्लोनिंग में काम में आ सके। तो हम इसके लिए क्या बना रहे हैं, M13 MP7 को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये किया था जे मैसिंग एट ऑल। सबसे पहले इसको जे मैसिंग एट ऑल ने जो है वो बनाया था, सीरीज बनाई थी इसकी कई सारे जीन क्लोनिंग वेक्टर्स की M13 RF से, RF से रेप्लिकेटिव फॉर्म्स। तो इन्होंने पाया कि ये एक गुड वेक्टर की तरीके से काम में आ सकता है, जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह से काम में आ सकता है। देखिए हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, M13 RF वाइल्ड है, ये अपना वाइल्ड कौन सा टाइप है, जो हमारा बैक्टीरियोफेज से निकला है, बैक्टीरियोफेज का DNA है जो बैक्टीरिया के अंदर आने के बाद बना है, बैक्टीरियोफेज के अंदर बाहर नहीं, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करता है और बैक्टीरिया के अंदर उसकी रेप्लिकेटिव फॉर्म्स बन जाती हैं, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले इकोलाई बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करें, जिस बैक्टीरियल सेल को उस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हमने वाइल्ड टाइप आइसोलेट किया है, और हमने इसके अंदर क्या डालना है, हम बता रहे हैं ये ओराई साइट है, ओराई साइट के कारण ये क्या करता है, रेप्लिकेट होता रहता है, और एक है इंटरजेनिक सीक्वेंस, और इंटरजेनिक सीक्वेंस के अंदर ही हम दूसरे चीजों को जोड़ सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके एज ए क्लोनिंग वेक्टर को, एज ए क्लोनिंग वेक्टर इसको बनाना। तो यहां देखिए हमें इसमें लैग जैग जोड़ना है, लैग जैग क्या करता है, हमने कल भी बताया था आपको पिछले टॉपिक के अंदर कि लैग जैग एक लैग ऑपेरॉन से मिला निकला हुआ जीन है, कहना चाहिए जो आपका बैक्टीरियल सेल का जो जीन है लैग ऑपेरॉन वाला, उसके अंदर हम पढ़ते हैं लैग जैग बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि उस लैग जैग को निकालकर, यानी इकोलाई की लैग जैग निकालकर हम यदि यहां डालते हैं, और फिर इसमें भी हम इसको भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण हम इसको डैमेज करते हैं, ठीक है, यहां हम आगे भी डैमेज करेंगे। तो हमने पहले क्या डाला है, लैग जेड क्या करता है, एक्चुअली हमने कल भी बताया था आपको कि जेनेटिक मार्कर की तरह काम करता है, और जब हमें रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना होता है तो वो इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हमें लैग जेड पहले डालेंगे हम, क्योंकि हमें जेनेटिक मार्कर चाहिए, ओराई साइट है, रेप्लिकेट हो सकता है, इंटरजेनिक सीक्वेंस है जिसके अंदर हम डिजायर्ड DNA भी डाल सकते हैं और दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं। लैग जेड हमें क्यों डालना है, क्योंकि इस बैक्टीरियोफेज के वाइल्ड टाइप DNA के अंदर जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है उसके अंदर जेनेटिक मार्कर नहीं है, तो हमें जब रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना होगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसमें लैग जेड डाल। तो यहां देखिए हमने इंटरजेनिक सीक्वेंस के अंदर इसमें लैग जेड को डाला है, और लैग जेड को इंसर्ट करने के बाद ये इसका IS वाला इंटरजेनिक सीक्वेंस आधा यहां से और आधा यहां रह गया, लैग जेड बीच में आ गया। इसके बाद हम इसको कहेंगे MP1, ठीक है, ये जो है वो मैसिंग ने जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था और इसको नाम दिया था M13 MP1। इसके बाद इसमें साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन कराया,
इसमें जो डीएनए होता है साइड वाला, इस पर्टिकुलर साइड पर जो इसके सीक्वेंस होते हैं वो कुछ अलग तरह के होते हैं। जी सीक्वेंस जो जी बेस है उसमें ज्यादा होता है। इसमें जो सीक्वेंस है लेग जेड के अंदर जी जी ए टी टी सी। जी जी ए टी टी सी। जब इसमें साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन कराया जाता है तो इस जी की जगह क्या हो जाता है, ए हो जाता है और इससे बन जाता है जी ए टी टी सी। ये स्पेसिफिक म्यूटेशन होने के कारण इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है और ये MP1 से M13 MP2 बन जाता है। ठीक है, जब MP13 MP2 से अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ और सीक्वेंस लगा के, ये यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, यहाँ देख रहे हो आप केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है इको आर आई की। ठीक है, यहाँ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है और हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे हम डिजायर डीएनए को इसके अंदर ढंग से डाल सकें। तो हम डीएनए लाइगेज के द्वारा इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला सीक्वेंस भी डालते हैं, पॉलीलिंकर जिसे कहते हैं। और ये कहाँ डाला जाएगा, लेग जेड को, कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने के लिए, लेग जेड का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने के लिए। तो अब हम लेग जेड को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने के लिए इसको डालते हैं और पॉलीलिंकर। तो यहां देखिए आप इस केस में इससे मिलाइए कि ये ओराई साइट इसमें है, इंटरजेनिक सीक्वेंस यहां से यहां, क्योंकि लेग जेड इंटरप्ट किया था इसे, लेग जेड को, और लेग जेड को भी हमने इंटरप्ट किया है किसके द्वारा, ये पॉलीलिंकर के द्वारा। अब पॉलीलिंकर में क्या क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं, इन साइट्स पर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करते हैं और डिफरेंट कट एंड्स बनाते हैं जिससे हम दूसरे तरह के डिजायर्ड डीएनए को इसके अंदर डाल सकते हैं। एक साथ हम कई डिजायर्ड डीएनए को इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली केवल वेक्टर नहीं बनाना है, वेक्टर को हमें डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने वाला भी बनाना है। तो यहाँ देखिए ये जो ये हमने पॉलीलिंकर जो जोड़ा है ये इसके कारण बन गया है M13 MP7। तो ये मैसिंग ने बनाया था सबसे पहले, और इसकी कई सीरीज बनाई थी जिसमें M13 MP7 फिर MP8 MP9 MP10 MP11 देन MP18 और MP19, ये सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर बनाई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से M13 जो MP7 वेक्टर है अब वो काम करेगा, ये जो वेक्टर है ये किस तरीके से कैरी करता है फॉरेन डीएनए को। तो आप ये देखिए, हमने इसमें नेक्स्ट डायग्राम देखिए, M13 बेस्ड वेक्टर जो हमने आपको बता दिया कि मैसिंग ने इसको सबसे पहले बताया था, और ये जो है अब हम इसी को बता रहे हैं, वाइल्ड टाइप M13 RF इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई सेल्स इन्फेक्टेड बाय M13 बैक्टीरियोफेज। जिस बैक्टीरियोफेज M13 बैक्टीरियोफेज से ने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया है और उससे हमने वाइल्ड टाइप M13 RF निकाला, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया। RF को कट किया अवेल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इंटरजेनिक सीक्वेंस पर, और उसमें लेग जेड जीन आइसोलेट कहां से किया है, इकोलाई से किया है, और उसमें लेग जेड को डाला। ठीक है, लेग जेड इन MP1 इज सब्जेक्टेड टू साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन, देन क्या बन गया, M13 MP2 बन गया। इसके बाद हम लेग जेड में साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन को दिखा रहे हैं, या GGATTC था उसमें म्यूटेशन होके क्या बन गया है, GAATTC। इस जी की जगह क्या लग गया, ए लग गया स्पेसिफिक म्यूटेशन से, और M13 MP2 बन गया जो हमने इसमें डायग्राम में बताया। और इस तरीके से कई सारी सीरीज बनी है, MP8 MP9 MP10 MP11 MP18 एंड MP19, ये सारी की सारी किससे बनी है, MP2 से बनी है। M13 MP2 जो बना लिया है उसके बाद इनको डराइव किया है। अब हम इस वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जो MP7 है, M13 MP7। तो हमने देखा, हमने डायग्राम में देखा कि ये सर्कुलर है, देखिए
ये सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, हमें दिख रहा है, और इसमें क्या क्या है? ओराई साइट है, इंटरजेनिक सीक्वेंस है, लेफ्ट जेट जो इंटरप्ट किया गया है पॉलीलिंकर जीन से, पॉलीलिंकर जिसके अंदर बहुत सारे, देखिए आप, इको आर आई बाम साल PSE1 साल बाम, ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनकी ये इन साइज पर इस जीन को काटती हैं। अब हमें इस जीन को काटकर, पॉलीलिंकर जीन को काटकर, जहां से भी हम काटें रेस्ट्रिक्शन साइज कई सारी हैं, और इन रेस्ट्रिक्शन साइज पर काटकर डिजायर डीएनए को इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। और लेग जेट हमारा इंटरप्ट हो चुका है, तो लेग जेट एक जेनेटिक मार्कर की तरह काम करेगा। तो ये M13MP7 है जिसको हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, और इससे हम फॉरेन डीएनए इसको कैसे कैरी करेगा ये हम देखना चाहते हैं। अब देखिए आप, ये तो MP7 का डायग्राम है जिसके अंदर 7238 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, है तो बड़ा ये, लेकिन अब हमें इसको कैसा बनाना है कि ये आराम से बैक्टीरियोफेज के अंदर पैक हो जाए, दोबारा उसको बैक्टीरियोफेज में पैक करना है, ठीक है? क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज में पैक करके अब हम उसको एज ए वेक्टर काम में लेंगे। बैक्टीरियोफेज में पैक किया जाएगा, देन उस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया जाएगा। तो ये जो पॉलीलिंकर सीक्वेंस है इसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, और यहाँ जो साल PST1 जो बीच में दिख रहा है, इस जगह पर अब हमें डिजायर डीएनए डालना। देखिए ये हो गया पूरा जीन, ये वाला, ये IS इंटरजेनिक सीक्वेंस, लेग जेट जो यहाँ दोनों इंटरप्ट हो गया, ये सर्कुलर था, अब हमने इसको लीनियर फॉर्म में बताया, क्योंकि जब भी हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब करने होते हैं, लगाने होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी इसमें यूज किए जाते हैं तो क्या होता है कि इसको काटना होता है, जब कटेगा तो ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म से जो सर्कुलर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो लीनियर होगी तो यहाँ पर आके ये जो साल वन एंड साल वन है, यहाँ से इसको कट किया जाएगा, और देखिए ये हो गया कट, ब्लंट एंड बने हैं, और ब्लंट एंड में इस जगह पर अब हमारा PST1 से सेपरेट हो गया है, और यहाँ फॉरेन डीएनए को हम चोक। तो यहाँ देखिए ये लेग जेड है, ये लेग जेड है, ये पीछे वाला जो है इसका क्या है, RF जीन है जो ऑलरेडी है ही, और पॉलीलिंकर जो सीक्वेंस है वो हमने काटा है कहाँ से, ये पॉलीलिंकर सीक्वेंस काटा है, और साल साल वाली जगह पर क्या लगाया है, फॉरेन डीएनए को जोड़ा, ये फॉरेन डीएनए है, ये जुड़ गया यहाँ पर, इसको हम लिख रहे हैं M13MP7 कैरिंग फॉरेन डीएनए, ठीक है? तो इस तरीके से M13 MP7 है वो फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। ये कितना बड़ा था देखिए आप, 7238 बेस पेयर्स, इसमें से हमने क्या हटा दिया है, जो बीच वाला पोर्शन है PST1 वाला पोर्शन हटाया है, और हमने इसको इसमें क्या जोड़ दिया है, फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये जो है वो M13 MP7 जो है फॉरेन डीएनए का काम करता है, फॉरेन डीएनए को जोड़ने का काम करता है। डीएनए को जोड़ा किसके द्वारा जाएगा, लाइगेज इसमें काम करेगा, और ये इसके द्वारा दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ब्लंट एंड है तो जहां पर रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर उन्हीं साइट्स पर काटता है जहां की चाहिए, और जहां हम डिजायर डीएनए को जोड़ रहे हैं, इट मीन्स लेग जेट यहाँ पर है ही, तो लेग जेट को हम डैमेज कर चुके हैं, इंटरप्ट कर चुके हैं, और लेग जेट हमारा क्या करेगा, जेनेटिक मार्कर का काम करेगा। लेग जेट जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस वक्त नहीं बना पाएगा, क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही इंटरप्ट कर दिया, यहाँ केवल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाने के लिए ही हमने लेग जेट डाला। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दूसरा वेक्टर पढ़ेंगे। थैंक यू मैडम। देखो मतलब वो